नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सन डायल यानी धूप घड़ी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मार्ट वॉच के जमाने में मैं सन डायल जैसी पुरानी घड़ी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। दरअसल सन डायल एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे आज के मॉडर्न क्लॉक्स की नींव रखी गई थी। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराजा जय सिंह प्रथम द्वारा किया गया था और दुनिया का सबसे बड़ा सनडायल जयपुर में ही स्थित है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि भारतीय वास्तुकला की अद्भुत धरोहर कोणार्क के सूर्य मंदिर में जो सूर्य के रथ के पहिए हैं वो भी सनडायल का ही काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर सनडायल काम कैसे करता है। सनडायल का एक मॉडल जिसे आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। आपको 6 to 12 और फिर 12 to 6 लेना है, जो सब में डिस्टेंस 15-15 डिग्री का रहेगा, इधर AM और इधर PM। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये सनडायल वर्क कैसे करता है टॉर्च की मदद से। आपको जो PM वाली साइड है वो हमेशा ईस्ट में और AM वाली साइड वेस्ट में रखनी है। जब सूर्य का उदय होगा तो ये जो शेडो बन रहा है वो 6 पर है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चला जाएगा 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, और जब सन सेंटर में रहेगा तो 12 बज रहे होंगे। फिर धीरे धीरे जब सन नीचे की ओर जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, और फिर जब सन सेट होने वाला होगा तो यहाँ 6 बजेंगे। तो इस तरह वर्क करता है एक सन डायल। अभी आपने देखा कि सन डायल का मैकेनिज्म क्या है और वो काम कैसे करता है। अब जानते हैं कि आखिर वो एक्यूरेट क्यों नहीं था। तो चूंकि इसका प्रयोग हम दिन में ही कर सकते हैं क्योंकि ये पूरी तरह सूर्य पर निर्भर होता है, और अगर आसमान पूरी तरह बादलों से ढका हुआ है तो भी इसका प्रयोग बहुत मुश्किल हो जाता है। और तो और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय तय नहीं होते हैं, कभी देर हो जाता है तो कभी जल्दी, इसलिए यह उतना एक्यूरेट नहीं था। परंतु पुराने ज़माने में यह घड़ी समय देखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।